हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, सुपर स्वीट मलाईदार मूंग दाल के मालपुए। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम रस भरे, एकदम से जैसे मरती बनती है ना उसी तरह से आज हमने मूंग दाल के बनाए। मरती बनती है उड़द की दाल की। नमस्कार, माँ अन्नपूर्णा फूड एक्सपे चैनल में आपका स्वागत है। ये हमने ले ली है आधी कटोरी सूजी। ये हमारी थोड़ी मोटी सी सूजी थी, इसको हम ग्राइंडर में चला के महीन बारीक का पीस लेंगे। इसको हमने बारीक में सूजी पीस लिए और हमने ली 100 ग्राम दाल ले ली। इसको हमने 4 घंटे पहले स्टोव करके लिए रख दिया था फूलने के लिए। ये हमारी फूल गई है, इसको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इसका हम एक अच्छा पेस्ट बनाएंगे, ना बहुत दरदरार ना बहुत चिकना। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पीसेंगे इसको। मेरा हमारा पेस्ट तैयार हो गया, ना महीन है ना बहुत मोटा है, 20 का है। पेस्ट तैयार हो गया, इसे डालकर हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो मैं सूजी पीसी थी ना पहले आधी कटोरी, वो उसमें डाल देंगे चम्मच की सहायता से। सूजी से क्या होता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत अंदर से एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। जी जितना हमको इसका बैटर तैयार करना है मालपुए का, उसी तरह से हम बैटर ऐड करते जाएंगे और जितना पतला हमें बनाना है। तो हमारी मालपुए अच्छे से बन जाए, हमने दो चम्मच शक्कर डाली, इससे अंदर से बहुत अच्छा स्वीटनेस आता है, कलर बहुत प्यारा आता है हमारे मालपुए में। थोड़ी थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे इसका और बढ़िया से बैटर तैयार करेंगे इसका। बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं, हमारे मालपुए का शेप अच्छा है, ऐसा हमें इसका बैटर तैयार करना है। ना बहुत पतला है ना बहुत गर्म है, थोड़ा सा अपने बैटर लेगा इसमें। और जो सूजी डाली है ना वो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, हल्की सी सूजी हमारी जो सूजी फूल जाए इसमें। जो अभी पतला लग रहा है ना बैटर, हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और वही हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, इसमें चाशनी बनाएंगे मालपुओं के लिए। तो इसमें 1.5 कप हम शक्कर डालेंगे और 1.5 कप ही पानी डालेंगे। कप डाला है, आधा कप और डालेंगे। इसकी हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, ना बहुत कड़ी बनानी है, ना ही हमें तार वाली बनानी है, हल्की सी चिपचिपी हो जाए ऐसी ही बनानी है, जैसे जलेबी की बनाते हैं ना उसी तरह से। इमरती बनाते हैं ना अपन लोग, दाल की इमरती बनाते हैं उड़द दाल की, इसी तरह मूंग दाल की आज मालपुए बना रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे इमरती ही खा रहे हो, बहुत ही टेस्टी। आपके यहाँ कभी गेस्ट आ जाए, आराम से बढ़िया से जल्दी से बनके एक स्वीट डिश तैयार होगी आपकी, बहुत ही बढ़िया। मैंने दूध डाला था ना चाशनी में, उससे मैल बाहर आ गया, इसका पूरी गंदगी बाहर निकल आती है शक्कर की। चम्मच की सहायता से सारी गंदगी बाहर निकाल देंगे और हमारी जो चाशनी होती है बड़ी ही क्लीन और साफ बन जाती है। शक्कर में बहुत गंदगी होती है, इसे साफ करनी होती है। वो सारी गंदगी किनारे किनारे पर आ गई है, थोड़ा सा दूध डालो अब 2 चम्मच, सारी गंदगी बाहर निकल आती है, कितनी क्लीन लगने लगी। थोड़ा सा इसमें हमने ऑरेंज कलर डाला है खाने वाला, इससे हमारे चाशनी में बहुत ही प्यारा कलर आएगा। इसकी जगह आप केसर भी डाल सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं, और इस कलर से बहुत प्यारा कलर आता है। मैंने एक कलर ऑरेंज डाल दिया, रिफाइंड डाल के, ना बेकिंग पाउडर का यूज किया है ना हमने बेकिंग सोडा का यूज किया, और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे ये। क्योंकि मैं सूजी से बहुत ही सॉफ्ट बन के आती हूँ, वो दाल तो फिर सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा। और चम्मच ले लीजिए सही ना आपकी, बस एक एक चम्मच रखते जाइए, आराम से डालते जाइए। बहुत बड़ी चम्मच नहीं लेनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं लेनी चाहिए, सही माप की चम्मच लेनी चाहिए जब आप मालपुए बनाए, और फैली हुई चम्मच होनी चाहिए, इससे बहुत ही आसानी से टल जाते हैं। देखो कितना बढ़िया सिक रहा है,
कभी कोई त्यौहार हो, कभी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हो, बढ़िया से बना के रखिए, बहुत तारीफ करेंगे आपके गेस्ट कि आप स्वीट डिश बनाई है, बहुत ही बढ़िया कम पैसों में और इतनी सी दाल में हमारे 20 से 25 मालपुए बन के तैयार हो गए हैं। समझ लो आपके पूरे गेस्ट, आपका पूरा परिवार बड़े ही आराम से खा लेगा, बहुत ही कम बजट में, कम खर्च हुआ आपका और इतनी सारी स्वीट डिश तैयार हो गई आपकी। देखिए थोड़ी सी मेहनत लगी अपनी, इतनी प्यारी सी डिश तैयार हो गई है घर पे। इनको हम बहुत मीडियम आंच में सेकेंगे, बहुत तेज आंच में नहीं सेकेंगे, नहीं तो हमारे बाहर से जलने लगेंगे। मीडियम आंच पे ही सेकेंगे आराम आराम से, उनको गरम गरम में ही चाशनी में डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी है, इसमें एक चम्मच पिसी हुई इलायची डालेंगे, इस इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारी चाशनी में। चाशनी हमारी अभी ठंडी नहीं है, गर्म ही है, और इसमें जी मालपुए डाल देंगे। जब तक इसमें डाले रहेंगे हमारे दूसरा बैटर तैयार, बैच तैयार हो रहा है हमारे मालपुए का, तब तक इसमें रस भर जाएगा, फिर उनको निकालने के बाद में दूसरा बैच भी शुरू हो गया हमारा। कितनी आसानी से बनते चले आ रहे हैं बिना कोई परेशानी के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं। पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख लो कि हाँ आज बनाने हैं हमको, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लगता है जैसे इमरती खा रहे हो, इमरती का पूरा फ्लेवर मिलेगा आपको इन मालपुओं में, बहुत ही सुपर सॉफ्ट। ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे। हमारे सारे मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं, इनकी प्लेटिंग हम करेंगे अब। कितने प्यारे लग रहे हैं, रश वाले बिल्कुल। जब आप शर्व करें तो ऊपर से और रस डाल दीजिए प्लेटों पे और मलाई डाल दीजिए। आज मैंने रबड़ी नहीं बनाई, रबड़ी बना के रखी अलग से, ऊपर से रबड़ी जब आप डालेंगे ना तो बहुत ही प्यार और जानना मजा आएगा। मैंने ऊपर से मलाई डाली है, मैंने मलाईदार बनाए हैं और जो बादाम ऊपर से बारीक बारीक काट के ऊपर से बादाम को डाला है। इतने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कितने बढ़िया बने, सुपर सॉफ्ट, मुंह में आ गया ना, मुंह में पानी, कितने प्यारे लग रहे हैं, जो लग अभी उठा के खा लूँ, बहुत टेस्टी बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ओके, थैंक यू।